वाई कार्बन फाइव वी थ्री, इसका माइलेज के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया था मेरा इस यूट्यूब चैनल के कुछ वीडियो पर, जो कि इसका माइलेज टेस्ट का जो एक वीडियो बनाओ माइलेज टेस्ट के ऊपर। तो माइलेज टेस्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, टंकी खाली करना पड़ता है, यानी फ्यूल खाली करना पड़ता है, उसके बाद पेट्रोल डालना पड़ता है, या फिर टैंक फुल करने के बाद, कुछ चलाने के बाद फिर से फुल करना है, उसके बाद ही आपको माइलेज टेस्ट दिखा सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्यूरेट माइलेज टेस्ट मैंने किया था बहुत पहले, और कैसे आपको बिना टेस्ट किए पता लग जाएगा माइलेज कितना दे रहा है, एवरेज माइलेज कितना है, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को यह जानना है तो वीडियो आगे देख सकते हो बिना स्किप किए। तो ये बाइक कितना एवरेज देती है, यानी पर लीटर में कितना माइलेज देती है, इसको देखने के लिए और एवरेज और अच्छा एवरेज निकालने के लिए क्या क्या आपको फॉलो रखना है वो मैं बताऊँगा साथ में। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये जो बाइक मेरा बाइक कितना देते हैं एवरेज, वो आपको कैसे पता चलेगा, या पे मीटर कंसोल के ऊपर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो मैं दिखा देता हूँ, अच्छी तरह फोकस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है सिलेक्ट बटन है, इसको जैसे ही प्रेस करोगे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो AVEKM/L, यानी एवरेज किलोमीटर पर लीटर, पर लीटर में कितना एवरेज दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 50.9 किलोमीटर दे रहा है अभी इस बाइक एवरेज। तो आपको ऐसा 50 प्लस माइलेज निकलने के लिए आपको क्या क्या फॉलो रखना है वो मैं बता देता हूँ साथ में दोस्तों। ये जो माइलेज है दोस्तों पूरा एक्यूरेट माइलेज है, मैं टेस्ट किया था दूसरा बाइक पे, टेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिखा रहा है और टेस्ट करने के बाद जो निकला माइलेज वो सेम टू सेम है, सिमिलर है, 19-20 पॉइंट है, अप डाउन है दोस्तों। यहाँ पे देखा रहा है दोस्तों 50.9, और टेस्ट करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा 49-48, इस तरह 1-2 किलोमीटर इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्यूरेट दिखाता है, और यहाँ पे पेट्रोल पूरी तरह खाली करने के बाद थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसको मायने नहीं रखता है दोस्तों, इसे एक्यूरेट मानने चलना है। तो आप लोगों को ऐसा 50 प्लस माइलेज निकलने के लिए आपको क्या क्या फॉलो रखना है वो मैं चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले आपको सोलो राइडिंग करना पड़ेगा, यानी डबल राइडिंग कम करना पड़ेगा, सोलो राइडिंग ज़्यादा करोगे तो आपका माइलेज अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपको फॉलो करना है यहाँ पे जो टायर है, पीछे का टायर, यहाँ पे टायर देख सकते हो, अच्छा टायर होना चाहिए, आपका टायर घिस गया पूरी तरह से, यहाँ पे जो कोट है वो पूरी तरह से घिस गया और प्लेन हो चुका है आपका टायर, तो आपका माइलेज थोड़ा सा कम निकल के देगा ये बाइक। तो ये टायर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद टायर के अंदर जो हवा है यानी एयर प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए, या पे 50 एयर का जो एयर प्रेशर है वो 50 होना चाहिए, 45 to 50 ये बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको फ्रंट टायर पे भी ध्यान रखना है दोस्तों, फ्रंट टायर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद इसका भी एयर प्रेशर आपको ठीक ठाक रखना है, 40 to 45 रखना है, इससे कम नहीं दोस्तों। ये हो गया टायर के बाद, और आपको क्या फॉलो करना है, यहाँ पर जो चेन स्प्रॉकेट है दोस्तों, चेन स्प्रॉकेट आपको देखना है, ज़्यादा लूज़ होगा तो माइलेज कम आएगा, ज़्यादा टाइट होगा तो आपका दिक्कत हो सकता है, कट कट साउंड भी आ सकता है, तो साउंड के लिए आपको और ज़्यादा लूज़ नहीं रखना और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लूज़ रखना है। चेन स्प्रॉकेट अच्छा होना चाहिए, चेन स्प्रॉकेट अगर बहुत ही ख़राब है तो आपका माइलेज के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। ये हो गया 3 पॉइंट, अभी आपको क्या ध्यान रखना है, तो दोस्तों अभी ध्यान रखना है आपको चलाने के वक्त क्या क्या ध्यान रखना है मैं चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैर रख के नहीं चलाना है दोस्तों, ये ब्रेक के ऊपर यहाँ पे पैर इस तरह रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद ब्रेक का जब ज़रूरत है तब प्रेस करना है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ब्रेक के ऊपर पैर रख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लगा रहता है, इसके लिए आपका माइलेज थोड़ा सा कम आएगा। और यहाँ पर फ्रंट ब्रेक भी सेम टू सेम है, यहाँ पे हाथ रख के मत चलेगा, यहाँ पे ज़रूरत होगा तो भी तो ही ब्रेक प्रेस करिए, इससे अलावा आपको ब्रेक मारने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी दूसरा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, जो चलाने के वक्त आपको ध्यान रखना है, चलाने के वक्त ध्यान रखना है ये कि दोस्तों आपको टैंक पे जो फ्यूल है वो हमेशा फुल रहना चाहिए, फुल मिनिमम यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे मिडिल में एक पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, एक मिनट, ये जो पॉइंट है या सबसे बड़ा पॉइंट है इसके ऊपर आपको फ्यूल रखना है, या फिर मिनिमम इस तक आपको 3 पॉइंट तक आपको फ्यूल रखना ही है, फ्यूल 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे कम चलाना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या चलाने के वक्त क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक मिनट दिखा देता हूँ, फोकस कर लेता हूँ, सबसे बाइक न्यूट्रल कर देता हूँ दोस्तों,
यहाँ पे बाइक न्यूट्रल हो चुका है। तो अभी आपको चलाने का जो तरीका है आप मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, डाउन पे जाने के बाद यहाँ पे जो क्लच प्रेस नहीं करते और एक्सेलेरेटर छोड़ देते हैं, फिर डाउन यहाँ पे डाउन क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी आपको डाउन मिले आपको क्लच प्रेस कर लेना है और बाइक का जो इंजन है वो फ्री हो जाएगा। इससे आपको माइलेज बढ़ सकता है, माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीज होगा। तो आपको जब भी मौका मिले, लंबा डाउन मिलेगा, तो आपको क्लच प्रेस करके रखना है। उसके बाद अगर कोई अर्जेंट जाना है तो आपको एक्सेलेरेटर दे सकते हो। जहाँ पे एक्सेलेरेटर ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वहाँ पे आपको क्लच प्रेस कर देना है, तो आपको माइलेज इंक्रीज होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो रखना है। एक मिनट, मैं एक बार स्टार्ट देखे दिखा देता हूँ। अभी आपको फॉलो रखना है दोस्तों, चलाने के वक्त जो आपको यहाँ पे फॉलो रखना है, ज़्यादा आरपीएम पे आपको बाइक नहीं चलाना है, ज़्यादा आरपीएम नहीं डालना है, नॉर्मली चलाना है, तो ही आपको 55 माइलेज मिल सकता है दोस्तों। 50+ माइलेज यानी 55 बोल रहा हूँ, सॉरी 55 भी मिल सकता है, यानी 50+ डेफिनेटली मिलेगा आप लोगों को। तो एक बार देखा तो यहाँ पे आरपीएम। और एक बात दोस्तों, जब आप टॉप गियर पे चलाओगे यानी 6 गियर पे चलाओगे, तब आपका जो स्पीड है, स्पीड लिमिट 100 के अंदर होना चाहिए या फिर 110 के अंदर होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पे आरपीएम देख सकते हो 7500 के बीच अंदर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा चला गया तो आपका माइलेज डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बीबीए एक्टिवेट हो जाएगा। जब बीबीए एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका फ्यूल ज़्यादा लगेगा बाइक चलने के लिए, और बाइक का पिकअप भी बढ़ जाएगा और फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। तो ही आप 50+ माइलेज पा सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैं एक बार स्टार्ट देकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो स्टार्ट दिया है, यहाँ पे आरपीएम मीटर आपको फॉलो रखना है। आप कम गियर पे चलाओगे और ज़्यादा एक्सेलेटर दोगे तो आपका जो माइलेज है वो डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो यही कुछ पॉइंट है, आपको ध्यान रख के चलाना है, बाइक नॉर्मल चलाना है। नॉर्मल चलाओगे इस बाइक से आप 50+ माइलेज ईजिली निकल सकते हो। अगर ज़्यादा रैप करके चलाओगे तो आपका माइलेज डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा रैप मतलब कम गियर और ज़्यादा आरपीएम, इसके ऊपर बात करो दोस्तों। कम गियर ज़्यादा आरपीएम पे चलाओगे तो आपका जो माइलेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। और सोलो राइडिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलो राइडिंग करोगे तो ही आपको माइलेज अच्छा निकल सकते हो इस बाइक के ऊपर। कुछ भी आप डाउट रह गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माइलेज टेस्ट के ऊपर पूरा मैं वीडियो बना दिया, टेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा माइलेज निकल सकते हो। और एक बात दोस्तों रह गया आप लोगों को बताने के लिए, यहाँ पर जो मैंने माइलेज दिखाया था, एक मिनट दोस्तों, इसको रिसेट करके चलाइएगा। जब आप माइलेज देखना चाहते हो कितना दे रहा है, 15-20 किलोमीटर यानी 20-30 किलोमीटर, ज़्यादा किलोमीटर का जो कुछ भी राइडिंग हो तो आपका जाने वाला हो या फिर राइड हो, तो आपको इसको रिसेट करना है। या फिर रिसेट बटन मिलेगा, इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो आप रिसेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, आप 15-20 किलोमीटर जितना भी किलोमीटर जा रहे हो, लॉन्ग टूर कर रहे हो, तो आपका माइलेज कितना आ रहा है इसको फॉलो रख के आप चला सकते हो। जितना आप बाइक का आरपीएम कम आरपीएम पे चलाओगे उसके उतना ही आपको ज़्यादा माइलेज दे देगा। तो ये आपको फॉलो रखना है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट मैंने बता दिए, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखते हुए आप बाइक चलाओगे तो आपका जो माइलेज है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। और एक बात है कि आपका अगर दोस्तों इस तरह आपका रोड है तो माइलेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, यानी डिक्रीज हो सकता है, या इस तरह रोड पे आप ज़्यादा चलाओगे, ज़्यादा मतलब जैसे कि मान लो 10-15 किलोमीटर इस तरह रूट पे चलाओगे तो माइलेज डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। अगर इस तरह हाईवे पे चलाओगे तो आपका माइलेज 50+ आराम से दे देगा। तो ये कुछ पॉइंट था आप लोगों को बता दिया, इससे बाहर कुछ बोलने का नहीं है दोस्तों। अगर कुछ मिसिंग हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह आप चलाओगे बाइक, कुछ पॉइंट मैंने बताया, इस तरह नोटिस करके आप बाइक चलाओगे, आपका बाइक का ऊपर बाइक का जो लाइफ है, इंजन का लाइफ है, वो भी बढ़ सकता है दोस्तों। इंजन कंडीशन बहुत ही अच्छा रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, इंजन कंडीशन ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा। और आपका और एक बात है दोस्तों, टाइम टू टाइम आपको सर्विसिंग करना है, यानी जो इंजन ऑयल है वो टाइम टू टाइम, यानी अगर जेन्युइन इंजन ऑयल डालते हो तो 2000 से लेकर 2500 के बीच में आपको सर्विसिंग यानी दूसरा इंजन ऑयल डाल देना चाहिए। ये कुछ ध्यान रखना है। और इस तरह कुछ पॉइंट फॉलो करके आप बाइक चलाओगे तो आपका जो बाइक है 50+ माइलेज आराम से दे देगा। चाहो तो ये पॉइंट फॉलो करके आप बाइक चलाओगे, आप टेस्ट भी कर सकते हो। अगर 50+ नहीं मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गाली भी दे सकते हो कमेंट करके, कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।